YouTube चैनल को ग्रो करना आज के दिनों में बहुत ही इजी है, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स और कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आप अपने चैनल को बहुत जल्द ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो वो आपको मिलती रहे। तो अगर आप सोचते हैं कि YouTube एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसके लिए आपको किसी कोर्स की ज़रूरत है या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है कामयाब होने के लिए YouTube के ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ यूट्यूबर्स देखे हैं जो YouTube कोर्स सेल कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक YouTube कोर्स लॉन्च किया है जिसका दौरानिया जो है वो 1.5 माह तक का है, और इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तरीकाकार ये है कि नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए ये एक पेड कोर्स है और इसकी जो फीस है वो 10,000 रुपीज़ है, यानी YouTube सिखाने के लिए। और YouTube कोर्स जो है उनका वो है 1.5 मंथ का। 1.5 मंथ में आप कितनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और YouTube पे एक कामयाब यूट्यूबर बन सकते हैं, और ये लोग सिखा रहे हैं अपना एक YouTube कोर्स 1.5 मंथ में। तो इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, आप उसको चेक करें। तो यूट्यूब पे जल्द कामयाब होने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्टिव रहना पड़ेगा आपको डेली की, मिनिमम एक वीडियो तो अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो एक वीडियो तो आपको अपलोड करनी पड़ेगी और एक्टिव रहना पड़ेगा। और दूसरा, आपने उन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आज के दिनों में देख लें, कोरोना वायरस जो है वो ट्रेंडिंग में जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस बना रहे हैं, सारे न्यूज़ चैनल उस पर वीडियोस बना रहे हैं, सारे एंकर्स उस पर वीडियो बना रहे हैं। वो इसीलिए बना रहे हैं कि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है और उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। और थर्ड जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन अर्निंग पर वीडियो बनाना चाहते हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पर गूगल एडवर्ड्स में आपको ले चलता हूँ और यहाँ पर मैंने ऑनलाइन अर्निंग सर्च कर रखा है। ये देखिए ऑनलाइन अर्निंग, अगेन मैं इसको सर्च कर देता हूं और लोकेशन मैंने पाकिस्तानी सेलेक्ट की हुई है, ये सिर्फ पाकिस्तान के रिजल्ट में आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पे ऑनलाइन अर्निंग पाकिस्तान में 5,400 टाइम एवरेज मंथली सर्चिज़ हैं, ये जो एक मंथ में 5,400 टाइम ये सर्च हो रहा है। उसके बाद आप मेक मनी ऑनलाइन 2,400 टाइम सर्च हो रहा है। इस तरह आपने किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो उसको गूगल एडवर्ड्स में आइए, कीवर्ड प्लान में आइए और उसको सर्च कीजिए कि उसकी सर्चिज़ भी हैं, कोई लोग उसको सर्च भी कर रहे हैं उस चीज़ को जिस पे आप वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे आइए, सर्चिज में जाइए, तो उसके बाद ये जो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे इनको अपने टैग्स में, एक तो इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है आपने, उसके बाद इनको अपने टैग्स में ऐड करना है ताकि जब ये लोग ये वाली चीज़ें सर्च करें, ये वाले कीवर्ड सर्च करें, तो आपकी वीडियो जो है वो टॉप पे आए या फिर रिकमेंडेड वीडियोस में आए, तो आपको व्यूज़ मिलेंगे और आपके चैनल पे सब्सक्राइबर भी आएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल में आना है। यहाँ पर ये मेरा यूट्यूब चैनल ओपन है आपके सामने, यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन है, तो आपने क्या करना है, एनालिटिक्स में आना है। तो यहाँ पर आपको मैं एक बहुत ही अच्छा टिप देने वाला हूँ, कभी आपको किसी ने ये बताया नहीं होगा। आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैफिक सोर्सेज यूट्यूब सर्च, ट्रैफिक सोर्सेज सजेस्टेड वीडियोस, तो आपने यहाँ पे देखना है कि आपकी जो व्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर वो कौन सी सर्चिज में आ रहे हैं, यानी कि मुझे ये वाली जो सर्चिज हैं इन पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और ये वाली जो वीडियोज़ हैं इस टॉपिक्स पे इनमें मेरी वीडियोज़ जो हैं वो रिकमेंड हो रही हैं। तो आपने यहाँ पे आके इस चीज़ को चेक करना है और इस टॉपिक पे इन कीवर्ड्स पे वीडियोस बनानी है ताकि आपकी जो सर्च रैंकिंग है वो और ज़्यादा हो जाए। यूट्यूब देखता है आपकी सर्च रैंकिंग को, तो आपकी सर्च रैंकिंग जब ज़्यादा हो जाएगी आपका चैनल ऑटोमेटिकली यूट्यूब एल्गोरिथम में आएगा और आपकी वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो जाएंगी, उन पे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बेस्ट टिप है, लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी वीडियोज़ को इन टॉपिक्स पर बनाइएगा जो आपकी सर्चिज आ रहे हैं। तो इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने जब भी किसी टॉपिक पर, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना चाहता हूँ हाउ टू अर्न मनी, तो आपको यहाँ पे ये कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे, हाउ टू अर्न मनी आप इतना लिखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो आपने उन सबसे पहले इनमें से कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, जैसा कि आप बनाना चाहते हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, तो आपने ये फ्रॉम इंस्टाग्राम वाला आपने चेक करना है कि कैसे लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो हाउ टू अर्न मनी लोग फ्रॉम इंस्टाग्राम सर्च कर रहे हैं, बाय इंस्टाग्राम शायद कम कर रहे होंगे, फ्रॉम ज़्यादा कर रहे हैं, तो फ्रॉम इंस्टाग्राम
उसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि फ्रॉम इंस्टाग्राम इन पाकिस्तान, बिजनेस अकाउंट इन हिंदी इन उर्दू, इंस्टाग्राम 2020। तो इस तरह जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसको पहले यहाँ पे आइए, सर्च कीजिए, देखिए कि उसको जो आप टाइटल बना रहे हैं अपनी वीडियो का उसको लोग कैसे सर्च कर रहे हैं। जैसे उसको लोग सर्च कर रहे हैं वैसे आप उसको अपना टाइटल बनाइए। तो फॉर एग्जांपल हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम इन पाकिस्तान हम लिख देते हैं तो ये अच्छा टाइटल है। उसके बाद फ्रॉम इंस्टाग्राम इन उर्दू लिख देते हैं तो ये भी अच्छा टाइटल है। उसके बाद आपने यहाँ से टाइटल सेलेक्ट करने के बाद जो मैंने आपको मेथड बताया था गूगल कीवर्ड में जाना है और यहाँ पे ये वाले जो चीज़ें हैं ये अपने टैग्स में ऐड करनी है। तो इस तरह आपकी वीडियो को रैंक होने से, आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद अगर आपको पता हो शायद कि यूट्यूब पे अगर 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियोज़ बनाएंगे तो उस पर एड्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगी। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, छोटा चैनल है आपका, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 मिनट की वीडियोज़ नहीं बनाएं, ये नहीं करें कि हमें ज़्यादा व्यूज़ लेने हैं उसके लिए आप 10 मिनट की वीडियोज़ बनाना शुरू कर दें। तो छोटा चैनल है, छोटी वीडियोज़ बनाएं, अच्छी वीडियोज़ बनाएं, वीडियो को लंबी करने की कोशिश ना करें, सिर्फ जितनी इन्फॉर्मेशन हो वो दीजिए और उतनी ही वीडियो बनाइए। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी रिकमेंडेशन में वीडियोज़ आती हैं, न्यू चैनल्स की वीडियोज़ रिकमेंडेशन में बहुत आती हैं, एक तो थंबनेल आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो जब रिकमेंडेशन में आपकी वीडियो आएगी, थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो ऑटोमेटिकली लोग क्लिक करेंगे, और जब लोग देखेंगे कि ये 2 मिनट की वीडियो है, 3 मिनट की वीडियो है, तो लोग सोचेंगे ओके नो प्रॉब्लम, हम इसको देख लेते हैं। अगर 10 मिनट की वीडियो होगी तो लोग उसको नहीं देखेंगे। तो अगर आपका छोटा चैनल है तो अट्रैक्टिव थंबनेल बनाइए, वीडियो का जो टाइम है वो कम से कम रखिए। जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा उसके बाद चाहे आप 10-20 मिनट की वीडियोस जितनी आपका दिल करे बना सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा YouTube में कुछ भी नहीं है कि आपको किसी कोर्स की ज़रूरत पड़े, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स में आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाई है इस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे मेरी वीडियो होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली वीडियो, प्रमोट योर वीडियो। तो यहाँ पे $10 में मैंने एक वीडियो प्रमोट की थी और उस पर मुझे मिले थे 1000 व्यूज़ और 40 सब्सक्राइबर। तो ये वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इस तरह से अपनी 2-3 वीडियोज़ जो हैं वो प्रमोट कर सकते हैं गूगल एडवर्ड्स के ऊपर, कोर्स बाय करने की बजाय, जिससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, 0 फ़ायदा होगा कोर्स की वजह से। तो कोर्स बाय करने की बजाय आप अपनी जो अपने कोर्स पे पैसे लगाने हैं वो यहाँ पे आइए, गूगल एडवर्ड्स में लगाइए और अपना चैनल दिनों में ग्रो कीजिए। तो यहाँ पे $10 में मुझे 1000 व्यूज़ मिले और 40 सब्सक्राइबर मिले। और अगर आपने ऐड लगानी है गूगल एडवर्ड्स में तो कोशिश करें कि आपकी वीडियो 10 मिनट की हो, वहाँ पे आपने 10 मिनट की ही वीडियो लगानी है या 10 मिनट से थोड़ी ज़्यादा हो, और अच्छा कंटेंट बनाइएगा। क्योंकि जब लोग देखेंगे तो एटलीस्ट उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देखना चाहिए, आपने ऐड लगाई है तो उनको आपको कुछ फ़ायदा होना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देखना चाहिए आपकी वीडियो को, ताकि आपका जो टाइम है 4000 वॉच आवर है वो भी पूरा हो जाए और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। तो ये कुछ टिप्स थे मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि लोग यूट्यूब कोर्स सेल कर रहे हैं और बिगिनर्स जो हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं कि पता नहीं यूट्यूब पर क्या पड़ा हुआ है जो हमें कोर्स की ज़रूरत है। तो आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, इस तरह आप अपना चैनल बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं। पेशेंट रहिए और आपका चैनल जो है वो ग्रो हो जाएगा। इस तरह से अच्छे तरीके से काम कीजिए अपने चैनल के ऊपर और आपके चैनल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही थी वीडियो, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।